हरिओम आदेश आदेश, मैं उगुड़ कालूराम सुल्तानपुरा भीलवाड़ा राजस्थान। सर्वप्रथम मैं मेरी सभी माताओं बहनों भाइयों गुरुओं गुरु भाइयों को तहे दिल से बारंबार प्रणाम करता हूँ। जाने अनजाने भूल में अगर कुछ गलती हो जाती है तो हमारे को क्षमा करें। आज हम आपको बताएंगे कि देसी आंकड़े की लकड़ी से एक बेताल को कैसे सिद्ध करके और उससे जो चाहे काम हम करवा सकते हैं। ए टू जेड कोई भी काम वो बेताल कर सकता है। तो आज हम देसी आंकड़े की लकड़ी से हवन क्रिया करके ऐसे बेताल को सिद्धि करके प्राप्त करके अपने पास में रख सकते हैं। सर्वप्रथम ऐसा देसी आंकड़ा होता है, तो ऐसे देसी आंकड़े को क्या है कि जंगल में आपको बहुत जगह पे देसी आंकड़ा मिल जाता है। ऐसा अगर इधर करो, ऐसा आपको आंकड़ा देखना है। आंकड़ा आंक दो तरह के होते हैं, एक सफ़ेद आंख और एक देसी आंख। देसी आंख के जो फूल आते हैं वो हल्के बैंगनी रंग के आते हैं। सफ़ेद आंकड़ा के फूल ऐसे होते हैं, उसके सफ़ेद फूल ही आते हैं। तो अपने को देसी आंख का जो पत्ता है वो कड़क और थोड़ा टाइट रहता है, ऐसे कड़क और टाइट रहता है। और सफ़ेद आग का फूल वो दिख रहा, सफ़ेद आग का पौधा उधर धर, यह है सफ़ेद आग का पोता पौधा। तो इसके पंते थोड़े हल्के नुकीले आते हैं और सफ़ेद आग के पंते फूल इसके सफ़ेद आते हैं। और इधर देसी आग के फूल हल्के बैंगनी रंग के आते हैं। जो बेताल सिद्धि करना चाहता है तो ऐसे आंकड़े को लेकर के इसकी लकड़ी को सुखा ले। बन गए देसी आग का जो हमने पौधा बताया है उसकी ऐसी सूखी लकड़ी, ये आप देख रहे हो, ये जो लकड़ी है ये देसी आंकड़े का लकड़ी है। ऐसी लकड़ी जहां पौधा आपका देसी आग का सूखा हुआ मिल जाता है, तो ऐसी लकड़ी आपको लेना है। और मात्र अमावस से लेके अमावस तक, यानी एक महीने का ये सिद्धि है। जो अमावस से लेके अमावस तक, अमावस के दिन में ही ऐसी आपको लकड़ी इकट्ठा करना है और इसको छोटे छोटे टुकड़े करके इसको एक जगह ऐसा भारी जमा देना है, इतना बड़ा, और रस्सी से बांध देना है। फिर अमावस की रात्रि में आपको इस लकड़ी को छोटे छोटे टुकड़े करके 1 किलो कपूर ले आना और पाव भर गूगल का देसी धूप ले आना। फिर इसमें ये ऐसा ढीबरा लेना है, मटकी का ढीबरा चलाना है। अमावस की रात्रि को रात को 11 बजे से लेकर 1 बजे तक आपको ऐसे लकड़ी ढीबरे में चला के जलाने के बाद में गूगल और कपूर को मिक्स करके उसका पाउडर बना लो। फिर जब आप आहुति देना है इस आंकड़े की लकड़ी में, अगर आग की लकड़ी में अगर आग कम हो जाता है तो हाथों हाथ वापस उसको जलाना है। फिर इस मंत्र का आपको अमावस से लेकर अमावस तक रेगुलर कंटिन्यू 1 महीने तक रात को 11 बजे से लेकर 1 बजे तक इस मंत्र का 11 माला का आपको जाप करना है, यानी
11 माला यानी 108 बार 108 बार ऐसे 11 माला का जाप करना है। 28-29 दिन जब आपको हो जाएंगे जाप करते करते, तो आपको एक दुए के आकार का एक बेताल के रूप में आपको दिखाई देगा। ध्यान रहे, उससे कोल वचन करने से पहले, इस सिद्धि से करने से पहले सच्चे और अच्छे गुरु का मार्गदर्शन अवश्य लें। मैं ये बेताल सिद्धि इसलिए दे रहा हूँ कि कोई भी दुखी व्यक्ति या कर्जे में डूबा हुआ हो व्यक्ति हो या हारी बीमारी में डूबा हुआ व्यक्ति हो, उसके लिए ये साधना बहुत शुभदायक और शक्तिशाली है, लेकिन गुरु के मार्गदर्शन पर ही करें, नहीं तो यही बेताल सिद्धि आपको हानि पहुंचा सकती है, आपको परिवार को भी हानि पहुंचा सकती है। सामग्री का ध्यान से सुन लीजिए। अमावस की रात्रि में 11 बजे ऐसे लकड़ी लाना है, देसी आग का लकड़ी, ऐसा डेबरा लेना है, असली धूगल धूप आधा किलो ले लेना है, कपूर 1 किलो ले लेना है, दोनों को मिक्स करके अच्छा पाउडर करना है। फिर ऐसे लकड़ी को तोड़ के ढेबरे में जलाने के बाद में आग चला दो, फिर वो जो आप जो अब मैं मंत्र बता रहा हूँ, इस मंत्र के लास्ट में स्वाहा लगाकर उस थोड़ा सा धूप ये आग की लकड़ी में देना है। जब आप इसका जाप करते हो तो आपका मुँह दक्षिण दिशा में रहना चाहिए, कपड़े कोई भी पहन सकते हो, आसन कोई भी ले सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सच्ची श्रद्धा भावना से करिए, आपका हर काम ये बेताल खड़ा रहकर आपका करेगा। अब मंत्र है, ध्यान से सुने। ओम भू भू भूतेश्वरी बेतालाच्य मम वशीकुरु वशीकुरु स्वाहा। ओम भू भू भूतेश्वरी बेतालाच्य मम वशीकुरु वशीकुरु स्वाहा। जैसे आप मंत्र के लास्ट में स्वाहा बोलते ही थोड़ा धुनी आपको अंदर डालना है। ऐसे 11 माला रोज करना है और रोज आहुति, ऐसे केवल हवन क्रिया ही चलता है, इसमें मंत्र जाप नहीं करना है। ऐसे 1 महीने तक आपको रेगुलर से हवन कीजिए। लकड़ी कम पड़े तो लकड़ी और लेके आइए, धूप कम पड़ता है तो धूप और लेके आइए। यह सिद्धि कर लेने के बाद में आपको संसार में ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे, सच्चा और अच्छे गुरु के मार्गदर्शन पर ही ये बेताल सिद्धि करें, नहीं तो आपको हानि हो सकती है, आपका परिवार उजड़ सकता है। गुरु के मार्गदर्शन पर कोई भी सिद्धि करते हैं तो उसका पूर्ण फल मिलता है, परिवार हरा भरा रहता है और अपने को हानि नहीं होती है। दीपक विपक कुछ नहीं चलाना है, यह साधना घर पर नहीं कर सकते हो, केवल जंगल में या आश्रम पर ही कर सकते हो। 1 महीने तक टाइम फिक्स होना चाहिए, 11 बजे करते हो तो 11 बजे ही शुरू होना है, और दिन में 1 महीने तक आपको शराब और मांस नहीं खाना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, तामसिक भोजन नहीं करना है और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ऐसे आप करिए तो फिर देखो कि ये सिद्धि आपको कैसे फल प्राप्त करती है। तो जय भैरवनाथ, खुश रहो हमेशा हमेशा, गुरु महाराज आपका कल्याण करें। Ah!